ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है आज चुनाव को लेकर के, जिसमें कांग्रेस ने सुनिए नीतीश जी, प्रेमचंद पटेल की जीत को लेकर मैं पहले से आश्वस्त था और मैंने जो है इस बात की घोषणा कर दी थी कि प्रेमचंद पटेल कठुआ विधानसभा से विधायक के रूप में चुन रहे हैं। अच्छा। लेकिन कट्टर कांग्रेस समर्थक देवमंत कुमार मिश्रा इंटक के महासचिव गेवरा के, अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारा विधायक पुरुषोत्तम कंवर बनेगा और हम दोनों के बीच में शर्त लगी और शर्त में देवमंत कुमार मिश्रा ने गले में पहना हुआ अपना 3.5 तोले का सोना गिरवी रखा, शर्त में रखा था कि अगर पुरुषोत्तम कंवर जीतता है तो 3 माला ऐसा मैं उनको खरीद के दूंगा, अगर पुरुषोत्तम कंवर हारता है तो ये माला आपका है। तो आज उस शर्त के तहत मैंने जीत लिया है और ये माला महाराज जी मुझे दे रहे हैं। देखिए मिश्र जी, आप माला देंगे? देखिए जुबान तो जुबान होता है और मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। हाँ। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास में था कि जो है हमारे पुरुषोत्तम कंवर जी जीतेंगे, लेकिन मुझे एहसास हो गया जो उनके साथ में चल रहे थे कार्यकर्ता, वो उनके साथ बहुत धोखा किए और पुरुषोत्तम कंवर जी हम जैसे लोगों को या अन्य जैसे लोगों को पहचान नहीं पाए और अपने में ही मशगूल रहने के कारण हार का कारण हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पुरुषोत्तम कंवर ने उनका उनका कर्म उनको निपटाया है? नहीं, ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जो फैसला देगा उसके लिए हम जो है उनको सर आँखों पर है। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, चूक और गलती हमसे हुई है, इसका हमको समीक्षा करने के बड़ा, और मैं भी जुबान का पक्का हूँ 3.5 तोला सोने का चैन को आज मैं मिस्टर साजिद थॉमस जी से जो चैलेंज हुआ था, पांच गवाहों के समक्ष अपने मैं गले से निकाल के दे रहा हूँ और बहुत ही दुखी मन से दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई इसको वापस कर सकता है। ये इस माला को मैं अभी तुरंत जो है जा रहा हूँ, इस माला को बेचूंगा और इस माले से जो भी पैसा आएगा वो जो है हमारे जो समर्थक साथी हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं, उनके बीच में इस माले का जो भी बिक्री होगा उसका पार्टी बनाया जाएगा। ठीक, हाँ चलो। तो कहा था कि ये ला भाईजत, भैया लो वापस।